नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। मित्रों, बात करेंगे आज सीधे सीधे पुखराज पत्थर के खूबियों के ऊपर। पुखराज पत्थर एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन भक्ति। पुखराज पत्थर मतलब यानी बृहस्पति, पुखराज यानी पीला रंग, पुखराज यानी गज केसरी योग गुरु चंद्र इकट्ठे कुंडली में। दोस्तों, बात कर रहा हूँ वो वाले पुखराज की जो आपको रिजल्ट देगा। कहते हैं कि जी मन अशांत बहुत ज़्यादा है, पंडित जी क्या करें, क्या उपाय करें कि मन शांत हो। यहाँ बात आती है बृहस्पति की, बात आती है पुखराज रत्न की। पुखराज रत्न दोस्तों 4 ग्रेविटी वाला सबसे पावरफुल। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ग्रेविटी का पुखराज अच्छा होता है, कौन कौन सी कंट्री का, कौन कौन सी माइंड का पुखराज बेस्ट होता है और किस किस व्यक्ति को पुखराज पहनने में लाभ मिलता है। आप ध्यान से समझिएगा, पुखराज के बारे में अगर आज आपने जान लिया तो समझो बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया। दोस्तों, सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं जिनका एजुकेशन में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन जिनकी बहुत बेकार होगी, या जिनकी कुंडली में खास करके बृहस्पति डिस्टर्ब हो रखे हैं, जिनकी कुंडली में बृहस्पति की पावर बहुत कमजोर है, खास करके 8 अंश से जिसकी कमजोर है, 8 अंश यानी 8 डिग्री से अगर कमजोर बृहस्पति है आपकी कुंडली में, तो आपके लिए पुखराज बनता है। लेकिन यदि पुखराज अगर आपका बृहस्पति मार्केश है तो आपने पुखराज नहीं पहनना। दोस्तों, पुखराज क्या क्या काम करेगा। पुखराज अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, इज्जत नहीं मिलती, मान सम्मान की अगर कमी होती है, या आप कहते हैं कि मैंने इतना यश मेरे को नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, मैंने मेरे भाई के लिए बहुत किया लेकिन भाई से मेरे को जूते ही पड़े, मैंने मेरे रिश्तेदार के लिए, मेरे दोस्त के लिए, मेरे फलां बेटी के लिए, फलां जवाई के लिए, फलां फलां के लिए, मैंने मित्र के लिए ये काम किया वो काम किया, लेकिन सामने से यदि आपको यश नहीं मिलता, मान सम्मान की कमी हो रही है, बार बार बेइज्जती हो रही है, और आपके खास करके लोन अगर कर्ज ज़्यादा चढ़ रहा है, बरकत की कमी यदि बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन में भी आपको बृहस्पति आपके कुंडली में चेक करना चाहिए, पुखराज चेक करना चाहिए। दोस्तों, पुखराज कौन कौन से बेस्ट होते हैं देखिए। सबसे पहले इंडिया का पत्थर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा, ये इंडिया का पत्थर है। इस इंडिया के पत्थर की क्वालिटी देखिएगा, बिल्कुल बंद है ये। दोस्तों, पुखराज यदि पहने तकरीबन इसकी 1 ग्रेविटी के आसपास या 1.2 के आसपास इसकी ग्रेविटी बैठेगी। अगर 1 ग्रेविटी का पत्थर आएगा तो दोस्तों इसका कोई लाभ नहीं है, बल्कि ये हानि ही देगा, परेशानी ही देगा। इसके बाद में दोस्तों आता है अलग माइंस का, आता है ये भी एक पुखराज है जो उड़ीसा का माना जाता है, लेकिन इसके अंदर भी आपको कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है, बंद पीस है एकदम से, इसमें भी जाले दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, डिपेंड पुखराज का कलर, क्लियरिटी और कटिंग, 3 तो चीज़ें जवाहरात में। अगर आपने पुखराज के पत्थर के बारे में अगर अच्छे से जान लिया, समझ लिया, तो समझो। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूँ आपको। एक पुखराज ये देखिएगा, लेमन कलर का, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये बैंकॉक का है, थाईलैंड का है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, बट ये कांच है एक तरीके से। आपको डिपेंड ऑन की अब इसकी जो ग्रेविटी है मिलती जुलती है, लेकिन जो सिलोन की ग्रेविटी है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये वाली ग्रेविटी देखिएगा, अब ये जो ग्रेविटी है इसकी, इस ग्रेविटी का कोई मुकाबला ही कोई नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये जो पुखराज है दोस्तों, ये श्रीलंका का है, सिलोन का है, सिलोन माइंस का अगर पुखराज है दोस्तों, तो इसने जो रिजल्ट देने हैं शायद ही कोई दूसरा पत्थर दे। मैं तो रेकमेंड सिलोन का ही पत्थर करूंगा, अगर हो सके सिलोन का पहनो, सस्ता पहनो चाहे महंगा पहनो, लेकिन सिलोन का पहनो। दूसरी बात दोस्तों, यदि पुखराज आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का पहन सकते हैं, आपका बजट है, तो बहुत अच्छी बात है, महंगा पुखराज पहनिए। अगर पुखराज महंगा नहीं पहन सकते दोस्तों, तो आप सस्ता पहनिए, लेकिन पुखराज साफ सुथरा कोशिश कीजिएगा कि साफ पीस पहनिएगा। अब कलर सिलोन के अंदर में ना दोस्तों क्या, हीटेड ट्रीटेड, इसमें भी डुप्लीकेसी सिंथेटिक बड़ा कुछ आता है। अगर आपको परफेक्ट पीस चाहिए तो 4 ग्रेविटी का पीस चाहिए। जैसे ये देखिएगा, ये आप जो इसका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में ग्रेविटी 4 आ रखी है, तो 4 ग्रेविटी का अगर पत्थर होगा, श्रीलंका का होगा दोस्तों, और अगर वो हल्दी रंगा हो, पीला रंग हो, लाइट येलो भी हो, तो चलेगा, दौड़ेगा, रिजल्ट देगा, बहुत बहुत ज़्यादा लाभ दे सकता है आपको। कहीं ना कहीं दोस्तों मैं सलाह दूंगा कि पुखराज पत्थर जीवन में जरूर पहनिएगा। पुखराज सोने में पहना जाता है, जिसकी शादी नहीं होती, विवाह में अड़चन आती है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रही है, इन सब लोगों को पुखराज सूट करता है। जिनको सिर दर्द की बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिनके बच्चे भोले रहते हैं थोड़े, जो चुस्त चलाक नहीं है,
जिनके बच्चे बहुत स्लो चलते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन टैलेंट वो प्रेजेंट नहीं कर पाते अपना टैलेंट, उन लोगों को तो खास करके पुखराज पहनना चाहिए। जो एजुकेशन लाइन में है, टीचिंग लाइन में है, प्रोफेसर लाइन में है, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो आपको पुखराज पहनना चाहिए। आप किसी बिजनेस कर रहे हैं, खास करके आपका किताब का, कागज का, गत्ते का, आपका वाटर का, मिठाई का, फूड आइटम का, ऐसा कुछ अगर आपका बिजनेस है, सीधे रस्ते वाला साफ सुथरा बिजनेस है, तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए। हाँ, यदि आप दो नंबर के काम करते हैं, आप अगर कोई गंदे काम करते हैं, तो आपको पुखराज बिल्कुल सूट नहीं करेगा। पुखराज डिपेंड ऑन आपका वर्क क्या है, आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है, और अगर बशर्ते वो मार्केश ना हो, तो आपको पुखराज दोस्तों बहुत ज्यादा लाभ देगा। तो दोस्तों, ये मैं आपको नए कुछ रोज कोशिश करता हूँ कि नया से नया ज्ञान दूं, नई से नई नॉलेज दूं। अब दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ और टाइम आपके पास एग्जैक्टली है, और जन्म स्थान यदि है, डेट ऑफ बर्थ समय और जन्म स्थान यदि है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो टीवी स्क्रीन पे, यूट्यूब चैनल पे, एस्ट्रो फ्रेंड नारायण नारायण चैनल पे, नारायण एस्ट्रो इंडिया के ऊपर, जो आपको यहाँ पर टीवी स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, 9011644444, यानी पेंटाफोर, इस नंबर पे दोस्तों आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए। जो प्रोसेस है, फीस प्रोसेस है, जो मेरे से बात करने के टाइमिंग का जो प्रोसेस है, वो आप डिस्कस कीजिएगा। टाइमिंग सारा अपना बुक करके उसके बाद आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। और डेट ऑफ टाइम नहीं है तो एक तरीका और है, आप अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का एक पिक्चर और एक अपना फेस पिक्चर आप मुझे सेंड करें या मेल करें, और प्रोसेस करिएगा याद से, पहले फोन करके टाइम जरूर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपके हाथ की रेखाएं हैं तो उससे भी हम आपका जान सकते हैं कि आपको कौन सा रत्न, कितने रत्ती का, कितने वजन का, कितने कैरेट का, कितने सेंट का आपको दोस्तों पुखराज आपको लेना चाहिए। दोस्तों, पुखराज की और भी बड़ी सारी खूबी है। पुखराज और नीलम दोनों एक ही माइंड से, एक ही जगह से इकट्ठे निकलते हैं। जो नीला पीस होता है वो नीलम में जाता है, जो पीला होता है वो पुखराज में जाता है, जो बीच का कॉम्बिनेशन रहता है उसे पीताम्बरी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, पुखराज अपने आप में बहुत खास पत्थर है। जितने बड़े पॉलिटिशियंस, जितने बड़े राजनीतिक, जितने बड़े बुद्धि से कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, जिनका दिमाग का खेल ज्यादा है दोस्तों, उन्हें तो पुखराज पहनना ही पहनना चाहिए। भले गले में पहनिए, भले राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहनिए, सोने में पहने ज्यादा अच्छी बात है। कभी कभी बृहस्पति आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से अच्छा ना हो तो चांदी में भी पहन सकते हैं, सोने का टांका लगवा के भी पहन सकते हैं, और यहाँ तक कि आप पंच धातु में भी पहन सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर कुंडली, कैसी स्थिति है आपकी कुंडली की। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, नारायण भविष्य के नाम से, नारायण भविष्यवाणी, एस्ट्रो फ्रेंड नारायण नारायण, या नारायण गुरुजी चंडीगढ़ के नाम से भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर के बुक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दोबारा से जल्दी एक नए विषय के साथ, एक नए रत्न के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। नमो नारायण जी। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो। अच्छा लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और हमारा चैनल अगर हो सके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले एपिसोड भी आपको मिलते जाएं। नमो नारायण, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।